हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कॉजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होने के बहुत सारे रीजंस थे। उनमें से फर्स्ट रीज़न था डिससेटिस्फाइड पब्लिक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम ब्रिटेन ने इंडिया को अश्योर किया था कि अगर इंडिया ब्रिटेन का साथ देगी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, तो जब वॉर ओवर हो जाएगा तो ब्रिटेन इंडिया को फ्रीडम दे देगी। इसी वजह से इंडिया ने ब्रिटेन को सपोर्ट किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। लेकिन जब वॉर ओवर हो गया तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा उन्होंने कहा था कि इंडिया को फ्रीडम देंगे। तब इंडियन लीडर्स और इंडियन पीपल्स ने फील किया कि उन्हें चीट किया गया है। सो दिस वॉज द फर्स्ट रीज़न बिहाइंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब आते हैं सेकेंड रीज़न पर। सेकेंड रीज़न था रॉलेट एक्ट, जिसकी वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो को देखने से पहले रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मैसेकेयर जानना ज़रूरी है, जिनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो एक बार शॉर्ट में जान लेते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या था। तो गाइस, रॉलेट एक्ट एक एक्ट था जिसे ब्रिटिशर्स ने इंडियंस पर इम्पोज किया था। और इस एक्ट में पब्लिक मीटिंग्स बिल्कुल बैन थी, और अगर लोग ग्रुप में किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन करते थे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें 2 साल के लिए अरेस्ट कर लेती थी, जिनको बेल के थ्रू नहीं छुड़ाया जा सकता था। तो गाइज़, ये था रॉलेट एक्ट जो 1919 में आया था, जिसे इंडियंस बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए थे। एंड दिस वॉज द सेकेंड रीज़न बिहाइंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब थर्ड रीज़न पर आते हैं, और थर्ड रीज़न था जलियांवाला बाग मैसेकेयर, जो कि 1919 में ही हुआ था, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। तो शॉर्ट में इसे भी जान लेते हैं। जलियांवाला बाग अमृतसर में है। 13 अप्रैल 1919 को इंडियंस अमृतसर में पब्लिक मीटिंग कर रहे थे। रॉलेट एक्ट की वजह से कुछ लीडर्स अरेस्ट हो गए थे। उसी के दुख में लोग पीसफुली मीटिंग कर रहे थे जलियांवाला बाग में। और इस मीटिंग के बारे में ब्रिटिश ऑफिशियल जनरल डायर को पता चल गया, और जनरल डायर ने जलियांवाला बाग को सोल्जर्स से घिरवा लिया और लोगों पर फायरिंग की थी, जिससे बहुत सारे इंडियन शहीद हो गए थे। और इसी इंसिडेंट्स को जलियांवाला बाग मैसेकेयर कहते हैं, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नाउ अ फोर्थ रीज़न पर आते हैं, जो कि था हंटर कमीशन रिपोर्ट। ब्रिटिशर्स ने हंटर कमीशन रिपोर्ट को अपॉइंट किया था जलियांवाला बाग मैसेकेयर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जबकि उन्हें सीधे जनरल डायर को अरेस्ट करना चाहिए था क्योंकि वो गिल्टी था, और जनरल डायर को पनिश भी करना चाहिए था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो इनडायरेक्टली जनरल डायर को सपोर्ट कर रहे थे। तो गाइज, इट वॉज़ द फोर्थ रीज़न बिहाइंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब लास्ट रीज़न है खिलाफत मूवमेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि खिलाफत मूवमेंट क्या है। तो गाइज, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, 2 मेजर ग्रुप सामने आए थे, जिसमें पहला ग्रुप जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की था, और सेकेंड ग्रुप इंग्लैंड, फ्रांस एंड USSR था। तो गाइज, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड, फ्रांस एंड USSR की जीत हुई थी, और सेकेंड ग्रुप ने फर्स्ट ग्रुप के टर्की को कैप्चर कर लिया था और खलीफाज के पोस्ट को भी ख़त्म कर दिया था। खलीफाज मुस्लिम के हेड होते थे, इससे मुस्लिम को बहुत ही ज़्यादा हार्ट हुआ था, क्योंकि खलीफाज की पोस्ट उस टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती थी। इसी चीज़ की वजह से कुछ मुस्लिम लीडर्स ने मिलकर खिलाफत कमेटी को फॉर्म किया था, जिससे कि वो प्रोटेस्ट कर सकें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। और यही फिफ्थ एंड लास्ट रीज़न था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होने का। तो अब आप सोच रहे होंगे कि खिलाफत मूवमेंट का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से क्या लेना देना है। तो गाइस, बाद में यही खिलाफत मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ मिक्स हो गया था। तो गाइस, ये सारे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कॉजेस थे। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था, किस लिए स्टार्ट हुआ था, कब तक चला था और कैसे इसकी एंडिंग हुई थी, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।